भाई कर दे। एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि फ्रॉम वेदांतु। हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? सो गाइज, वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स, आवर कंट्री इंडिया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। एंड वी आर गोना, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट फ्रॉम द स्टूडियो, सो आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड टू टेक दिस सेशन, एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। हेलो देव, हाई शैलजा, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम वेलकम वेलकम। Right. So guys, hello, and you know me, I am your social studies educator here at Vedantu, teaching class 6, 7 and 8. My name is Surabhi Gupta. I have done my bachelor's, chal kyun nahi raha ye pen? I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, Delhi University, my master's from Jawaharlal Nehru University, and that is a little bit about me. So, do not forget to give a thumbs up to this video, share this video with your friends if you think ki acha padhaya, acha samajh aaya, and of course do not forget to subscribe to the channel guys, kyunki is channel pe we bring you all the lovely goodness that will help you in your school also in your life, right? Ma'am, aaj smart board pe kaise diya? Aapne bola tha na, ma'am kabhi smart board pe padhao, to aaj smart board pe padha rahe hain. Hello Neil, hi Nimisha. शुरू करें तो गाइज, लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर किया था विच वॉज पंचायती राज, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो उसके होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स ये है, ठीक है? मेक श्योर कि आप अगर आप कर चुके हो वो चैप्टर, तो ये आपने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर किया है। एंड लेट्स लुक एट द होमवर्क सुपरस्टार। सो वी हैव सहिति हु हैव आंसर्ड ऑल करेक्टली, सानिका जायसवाल, ओनली टू होमवर्क सुपरस्टार्स, व्हाट इज दिस? कई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना होमवर्क का आंसर देना चाहिए ना कमेंट सेक्शन में। हाय, हेलो हेलो, तो चलो होपफुली नेक्स्ट टाइम ज्यादा बच्चे देंगे, है ना? तो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट रिडल दैट आई एम गोना आस्क यू बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन इज, हाउ डू यू मेक नंबर वन डिसअपियर? हाउ डू यू मेक नंबर वन डिसअपियर? जल्दी से बता दो इफ यू थिंक यू नो द आंसर विदाउट गूगलिंग, by subtracting one from it. The answer is, you will tell me in the comment section below if you know it. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आर कंट्री इंडिया, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इन इंडिया, उसकी लोकेशनल सेटिंग, वेयर इज इंडिया लोकेटेड, यू नो, अगर हम उसको ज्योग्राफिकली देखें तो हमें पता चल, वी शुड नो वेयर आर ओन कंट्री इज लोकेटेड, राइट? वी विल बी लुकिंग एट हु आर आवर वेरी लवली, वेरी पीसफुल, वेरी स्वीट नेबर्स। वी विल बी लुकिंग एट पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द कंट्री। एक होता है ज्योग्राफिकल डिविजन्स जो God has given us, right? Natural. एक होता है political and administrative divisions, how we have divided our country to administrate it properly, to so that you know our life becomes easier, right? And then we will be looking at some physical divisions of India as well. ठीक है? By erasing one, comment section में बताना, I'll tell you the correct answer in the next class. ठीक है, तो अगर हम लोग अपने कंट्री को देखें तो इंडिया इज इन द नॉर्थ बाउंडेड बाय द हिमालयाज। ठीक है, हमारे पास हिमालयाज है, ईस्ट में हमारे पास, अच्छा डायरेक्शन के टाइम हमेशा प्लीज मेक दिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो दैट आप कभी भी डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो। तो ईस्ट में यू हैव बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में यू हैव द अरेबियन सी, राइट? दैट इज हाउ आर कंट्री लुक्स लाइक। ठीक है, नाउ India has an area of about 3.28 million square kilometer. अगर हम लोग north से south की तरफ देखें तो we are 3,200 kilometers from the northernmost tip in Jammu and Kashmir to the southernmost tip in Kanyakumari. और east से west में देखें from Surat to Andhra Pradesh तो we are about 2,900 kilometers. Ma'am, क्या हमको ये learn करना है? हाँ, आपको ये वाला learn करना है। मैम, व्हेन विल यू कंप्लीट क्लास? हैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाइस, द क्लास एंड सिलेबस स्कूल में तो हो ही रहा है ना, बट डोंट वरी, माय एम इज नॉट टू कंप्लीट द सिलेबस, इज टू कंप्लीट द सिलेबस, बट नो मैटर व्हाट, वी विल बी डूइंग मैराथन सीरीज ऑफ 07 10th स्टैंडर्ड टू कंप्लीट इट। ठीक है,
टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ आ गए कूद कर. चलो अब लेट अस लुक एट अदर फीचर्स ऑफ आर कंट्री. हमारा इतना प्यारा देश है कि यहाँ पर नॉट ओनली डू वी हैव माउंटेन्स बट वी हैव द ओशन, वी हैव डेजर्ट, राइट, वी हैव अ प्लेटो, वी हैव अ प्लेन एरिया. तो एज अ कंट्री वी आर वेरी डाइवर्स, है ना, नॉट जस्ट इन पीपल, लोग तो है ही अलग अलग तरीके के, बट इवन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स. So you have the Himalayan range. We will be talking about the northern plains and what exactly are the northern plains, right? We will be talking about the eastern and western ghats. What are the eastern and western ghats? The Deccan Plateau and the Indian Desert. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में we will in detail talk about. Right now, India is called a peninsula. Can someone tell me what is the meaning of peninsula? What is the meaning of peninsula? Yes. Indian peninsula matlab it is a landmass that is surrounded by water on three sides. So, 1, 2, 3. Right? So, is part of India ko hum log bolte hai peninsula. Okay, remember this term. Alright. Now, India has a population of more than 120 crore since the year 2011. But do you know, ki very soon, and aap mujhe bataoge comment section mein, ki by which year we might surpass China when it comes to population. Hai na, ab kuch log bolte hai ki yaar itna population hai, isiliye we are not developing. But actually that is not true. Lots of countries, China has a lot of population, but in terms of development, it has done well, right? So population can actually be an asset to us if we give education, if we give skill to that population. So us pe humko focus karna chahiye instead of feeling sad about it, right? Apart from that, India jo hai world mein, it is in the northern hemisphere. Northern hemisphere mein kyun bolte hai? Kyunki agar aap world map dekho, अच्छा यहाँ वर्ल्ड मैप होना चाहिए था, कोई बात नहीं. अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो जो आपका इक्वेटर है 0 degree, उसके ऊपर आता है हमारा देश, राइट, उसके ऊपर आता है इंडिया. सो इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर, इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोज राइट इन द मिडिल ऑफ आर कंट्री, पेट को काटते हुए, एट 68 degree 7 minutes, मतलब ये वाला जो आपका इंक, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23, क्या बोल रही हूँ, 23.5 degree नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यू हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जो सदर्न पार्ट है, जो दिस पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, है ना, जो इक्वेटर के पास है, एंड द पार्ट दैट इज अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल एरिया. सो इन आर कंट्री वी हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑल्सो, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑल्सो. ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल में 7th standard में पढ़ोगे. Correct Imperius, correct Amaira, so sweet. All right, ठीक है. Now from south to north mainland, अच्छा, now this part is important. At 8 degree 4 minutes north, मतलब 8 degree 4 minutes north of equator पे हमारा southern tip है, and 37 degree 6 minutes north पे हमारा northern most tip है. Right, if you look from east to west, it is 68 degree 7 minutes east to the प्राइम मेरिडियन. याद आ रहा है आपको, कुछ पढ़ा था प्राइम मेरिडियन क्या होता है, है ना, 0 degree लॉन्गिट्यूड, एंड देन यू हैव 97 degree 25 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इसके बीच में हमारा कंट्री है. आ हैरी, सो स्वीट, एंड मैम सर मत बुलाओ मुझको. Alright, now guys, क्योंकि हमारा country is between such a, you know, such like, it's so huge, कि longitudes में इतना difference है, so time difference, if you calculate the time difference, which we have also done in the previous chapters, latitude and longitude वाला, तो the time difference between the two longitude is almost 2 hours. That means कि sun जो है पहले यहाँ east में rise होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इफ इट इज 8 o'clock, इट इज ओनली 6 o'clock हियर इन गुजरात. तो इमेजिन समवन इज कॉलिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, लाइक डूड व्हाट्स अप, एंड गुजरात में लाइक डूड आई एम स्लीपिंग, इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इट वुड बी सो टफ, राइट. आई मीन ऑल यू नीड टू डू, अलग अलग वॉचेज होते फिर अलग अलग जगह. टू मेक इट ईजियर वी हैव एन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑल्सो, विच अगेन गाइज इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, जल्दी से बता दो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, लिखा तो नहीं है, हाँ कौन सा है. ठीक है,
चलो नेक्स्ट इंडियाज नेबर्स. तो गाइज वो वी हैव 9 कंट्रीज विच शेयर विच यू नो शेयर आर बाउंड विच वी शेयर आर बाउंड्रीज विद. इसको आप लर्न भी कर सकते हो थ्रू बचपन में MBA. I had also made a video on this. कि यू हैव बांग्लादेश राइट यू हैव चाइना यू हैव पाकिस्तान नेपाल म्यांमार एंड एक और बार क्यों है म्यांमार भूटान अफगानिस्तान राइट. सो यू हैव योर इंडिया म्यांमार बांग्लादेश भूटान नेपाल चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान. सी से अगर आप कनेक्ट करें तो यू ऑल्सो हैव श्रीलंका. बहुत बार मॉल्डीव्स ऑल्सो कम्स इन द यू नो इन द लिस्ट. तो मॉल्डीव्स भी आप या इमे में मॉल्डीव्स ऐड कर सकते हो. 82 degrees 30 minutes करेक्ट चल जाओ वेरी नाइस. चलो नाउ लेट्स लुक एट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द कंट्री. गाइस इस चैप्टर में थोड़ा सा यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन बट बहुत आसान है. ऑल यू नीड टू डू इज सिट विद द कंट्रीज मैप इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट मार्किंग थिंग्स. सो इट विल मेक इट मच ईजियर. डाउट है तो पूछ लो मीना राइट. नाउ बिकॉज आवर कंट्री इज सो ह्यूज इमेजिन इफ द एंटायर कंट्री वॉज रूल्ड बाय 1 person सिटिंग इन न्यू दिल्ली. डू यू थिंक कि रूलिंग द कंट्री वुड हैव बीन ईजियर? नहीं, क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है. पीपल आर सो डाइवर्स पीपल हैव डिफरेंट यू नो हैव डिफरेंट कंसर्न्स डिफरेंट ओपिनियंस. दैट इज वाई वी डिवाइड आवर कंट्री इन टू 28 states. बुक में अगर 29 लिखा है उसे काट के 28 चेंज कर दो बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. यू नो कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया. सो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज टुडे विद न्यू दिल्ली एज द कैपिटल. द स्टेट्स हैव फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. कन्नडा में कन्नड़ आंध्र प्रदेश में तेलुगु तमिलनाडु में तमिल केरला में मलयालम. तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड आर कंट्री मोस्टली. ठीक है नाउ इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिविजन्स. तो जैसे हमने पढ़ा था शुरू में हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. मैम इट इज क्लियर? अच्छा कंफ्यूजन था बट क्लियर हो गया. चलो गुड गुड. हेलो निष्ठा. चलो लेट अस लुक एट द हिमालयन माउंटेन्स. जो हिमालयन माउंटेन्स है इट इज़ आर कंट्री सिक्योरिटी गार्ड राइट. क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज हिमालयन माउंटेन्स जो ठंडी हवाएं द कोल्ड एयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन्स डज नॉट एंटर इंडिया. नहीं तो इंडिया वुड प्रॉबली हैव बीन वेरी कोल्ड. यू विल स्टडी मोर वेन यू गो टू यू नो ओल्डर क्लासेज हाउ हिमालयाज हैव एक्चुअली हेल्प्ड अस इन आर कंट्री. बट आज हम हिमालयाज के 3 डिविजन्स पढ़ने वाले हैं. The first, the blue part that you see is called the Great Himalayas, which are very, very tall, the highest in the world. Sara aapka Kanchanjunga, Mount Everest, yahan par ye, Great Himalayas mein, right? Then you have the Middle Himalayas, which is also called the Himachal. Great Himalayas ko hum Himadri bolte, right? Then you have Himachal, Middle Himalayas. राइट एंड देन यू हैव द शिवालिक्स. शिवालिक्स में सबसे छोटे माउंटेन्स है सबसे कम हाइट के माउंटेन्स है कंपेयर टू द अदर टू रेंजेस. ऑलराइट नाउ व्हाट टॉपिक्स हैव यू कवर्ड गाइस? यूट्यूब है पीछे देख लो. लेट्स कम टू नॉर्दर्न प्लेन्स. प्लेन एरिया क्या होता है? प्लेन एरिया मतलब इट इज यू नो डायरेक्टली इक्वल टू द सी लेवल. थोड़ा ऊपर हो सकता है बट नॉट दैट मच है ना. एंड जो हमारे जैसे दिस इज आर कंट्री तो यहाँ पर आपके हिमालयाज है. हिमालयाज से इसको ब्लू में कर देते हैं. हिमालयाज आपकी रिवर आती है एंड रिवर जो है अपनी लीव्स इट सेडिमेंट्स एल्यूवियल सेडिमेंट्स दैट वी से इन दिस एरिया. सो दिस एरिया वेयर द सेडिमेंट्स आर देयर ऑफ द रिवर दैट हैज फॉर्म्ड अ प्लेन राइट जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन. So the rivers coming from the Himalayas have deposited alluvial deposits in this area jisko hum bolte hain northern plains. Because it has deposited alluvial deposited such minerals, alluvial deposits bahut zyada rich hota hai fertile hota hai. That is why people have done a lot of agriculture in this area right. So these plains are formed by rivers. 3 तरीके के मेन रिवर्स है इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज.
वॉट आर ट्रिब्यूटरीज फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर है छोटी छोटी रिवर्स जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज राइट सो चेनाब हो गया झेलम हो गया सोन हो गया ये सब दीज आर ट्रिब्यूटरीज राइट सो द एरिया अराउंड द रिवर इज वेरी फर्टाइल दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिस एरिया क्योंकि बहुत फर्टाइल है यू कैन ईजिली ग्रो योर क्रॉप्स हियर यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट योर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा ठीक है मैम व्हेन विल क्विज स्टार्ट इट विल स्टार्ट व्हेन वी एंड द चैप्टर है ना चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो गाइस ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है हमारे कंट्री के वेस्ट में है जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स यू विल नोटिस इज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ एनी कंट्री और कॉन्टिनेंट राइट अटाकामा डेजर्ट वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका विक्टोरिया डेजर्ट वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सहारा डेजर्ट वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका व्हाई पढ़ोगे आप बड़े हो गए तब पढ़ोगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ना तो जो डेजर्ट्स है दे आर वेरी ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड वहाँ पर ऑब्वियसली पानी नहीं है देर इज नो वाटर सनलाइट इज वेरी हार्श एंड देयर फोर देर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन राइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट हाई जो सूया सो स्वीट सेवन फिजिकल फीचर्स डिड आई से सेवन आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी आई सेड Next is the peninsula plateau. So guys, I already told you the word peninsula matlab a piece of land that is surrounded by water on three sides. So Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. Ye jo southern part of India hai, that is your peninsula. It is also a plateau. What is a plateau? We've already done that guys in the previous chapter, jo major landforms wala chapter hai. Plateau aise table top hota hai thoda. Which is above the sea level and looks like this, like a tabletop, right? So to the south of the northern plains is the peninsula, which is triangular in shape and surrounded by, क्या कहते हैं, sea on three sides. Now, ये part important है कि यहाँ पर बहुत सारे mountains भी हैं. For example, you have the Aravali mountains, you have the Vindhyas, and you have the Satpuras. Why are these mountains not as tall as the Himalayas? Any guesses? The reason for that is ki Himalayas are very young mountains. Iske baare mein padh rakha hai guys previous chapter mein. Aravali, Satpuras, you know, ye sare ranges, they are pretty old. Even, jab hamara India bana bhi nahi tha, this landmass was somewhere else and it came towards, you know, and like, पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है यू नो इट्स प्रिटी ओल्ड सो दैट इज व्हाई द हिल्स हैव इरोडेड एंड वी हैव यू नो लेस हाइट के हिल्स राइट तो यू हैव विंध्या सतपुराज एंड द अरावलीज राइट अब कौन सी रिवर है नर्मदा और तापी जो है इट गोज टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड दैट इज इन द अरेबियन सी और आपका महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी गो इन द बे ऑफ बंगाल ठीक है सही है चलो नेक्स्ट नाउ लेट अस मूव ऑन टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स राइट नाउ गाइस वेस्टर्न घाट्स जो है दे मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो वेल ईस्टर्न घाट्स जो है ये जो पूरा एरिया होता है ना टुवर्ड्स द कोस्ट ये पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं घाट एरिया ठीक है सैंड होता है यहाँ बहुत ज्यादा इट इज द घाट एरिया तो अगर आप ईस्टर्न कोस्ट को देखोगे इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली बहुत ज्यादा ब्रेक्स है इट इज वेरी इंडेंटेड है ना ऐसे ऐसे ब्रेक्स है वाइल कोंकण ये वाला जो आपका कोस्ट है इट इज क्वाइट स्मूथ राइट जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है इसको वी कॉल द कोरोमंडल कोस्ट वाइल ईस्टर्न कोस्ट को हम लोग कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं राइट थैंक यू जिसुना शायद आई डोंट नो इफ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स तो गाइस पहले आपका आता है घाट ठीक है जहाँ पर आपके माउंटेनियस रीजन्स थोड़े माउंटेन भी होते हैं और फिर बिल्कुल ही जो एज पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया ठीक है कोस्टल प्लेन्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी नैरो दिस पॉइंट इज सुपर इम्पोर्टेंट तो ध्यान से सुनना ठीक है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है वहाँ नैरो क्यों है एक तो वहाँ पर कुछ कुछ माउंटेन्स हैं ठीक है तो माउंटेन्स है जो जो रिवर यहाँ से आती है बहुत कम रिवर्स आती है ये रिवर एकदम सी में घुस जाती है दे डू नॉट फॉर्म अ डेल्टा डेल्टा मतलब व्हेन रिवर्स रीच द सी मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर वेरी टायर्ड एंड दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा तो यहाँ के जो रिवर्स होते हैं नर्मदा तापी वगैरह
they come down the mountain and they immediately go into the sea. They are itna thake nahi hai, you know, they travel very short distances, they don't form a delta, and that is why the coast, the western coast, is very narrow as compared to the eastern coast, jisme kafi space hai, it is quite thick, because all the rivers here, Kaveri and all of that, ye jo hai deltas banati hai. ठीक है, क्या बनाती है? डेल्टास बनाती है. द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ओके, कभी कभी आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट्स फ्रॉम योर, आई थिंक माई आईज आर, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. मैम, वॉट इज द मीनिंग ऑफ घाट्स? तो गाइज घाट्स, अच्छा वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन घाट्स एंड कोस्टल एरिया? यहाँ पर आपके माउंटेन रीजन्स है, ठीक है, दोनों तरफ थोड़े थोड़े माउंटेन्स है, दोज माउंटेन्स द रेंज दैट इज देयर, दैट इज वॉट फॉर्म्स द घाट, घाट एरिया. ठीक है, वहां से जो रिवर्स नीचे आ रही है, दोज आर द रिवर्स दैट अल्टीमेटली गो इन टू द सी, सो द रिवर, द माउंटेन, ऑल ऑफ इट फॉर्म्स द घाट एरिया. What is delta? As I told you, when the river comes down the mountain, it comes at a very high speed. But when it is reaching the sea, it splits into different small, small distributaries. Book mein nahi, I'm just telling you, distributaries. So this entire area is called delta. So jo rivers is coming to the eastern coast, they are coming from very far away. Like aapki Ganga river ho gai, Brahmaputra river, south southern part of the river wagara, ye sab jo ho gai, ye form, they have a very long, you know, kya kehte hain? देख रहे हो ना, नर्मदा तापी आर सो शॉर्ट, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर क्वाइट लॉन्ग, सो बाय द टाइम दे कम टू द सी, दे आर टायर्ड एंड दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज. क्योंकि दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज, दे फॉर्म अ डेल्टा, दैट इज वाई द ईस्टर्न कोस्ट इज थिकर. ठीक है, ऑलराइट. तो ये जो डेल्टास होते हैं, दे आर वेरी फर्टाइल, बिकॉज ऑब्वियसली रिवर स्प्लिट कर रही है, दे आर, यू नो, दे आर टू टायर्ड, दे आर काइंड ऑफ लीविंग देयर डिपॉजिट्स इन दैट एरिया, जो भी वो माउंटेन से लाए हैं, एंड दैट इज व्हाई द डेल्टा एरिया इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल. इट इज फाउंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर. माउथ ऑफ द रिवर इज द एरिया वेयर द रिवर इज मीटिंग द सी. सो ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर. ठीक है, चलो. Let us now look at islands. We have two major bodies of islands. एक है आपका अंडमान एंड निकोबार islands, एक है आपका लक्षद्वीप islands. Right? The लक्षद्वीप islands are also called coral islands. Coral islands क्या होता है? What does the word coral mean? So you have, for millions of years we have had sea organisms, है ना? Sea में, even before human beings, सबसे पहले life came in the sea. सो लॉट ऑफ दी सी ऑर्गे, सर्टन सी ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं, उनका स्केलेटल होता है, यू नो दैट दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी. उसके ऊपर यू हैव ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो डाई, उनके ऊपर आ जाता है, दैट एंटायर, यू नो दैट यू, दैट एंटायर लेयर दैट यू गेट इज कॉल्ड कोरल रीफ. राइट, तो अगर आप लक्षद्वीप में जाओगे, दैट्स ग्रीन ग्रीन कलर का, यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोरल रीफ्स एंड वेजिटेशन जो होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बट ऑल्सो वेरी सेंसिटिव. वहाँ पर कुछ पॉल्यूशन वॉल्यूशन हो जाएगा तो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड. राइट, सो यू हैव कोरल आइलैंड दैट इज फॉर्म बाई कोरल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज योर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, alright guys, I hope you understood all the important concepts. Let's look at important terms that we did today. Peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. Okay, then you have alluvial deposits. What are alluvial deposits? Himalaya say the rivers that come down. So they are coming down at a high speed. वो सारा जो sand particles हैं, important particles हैं, वो अपने साथ ले आते हैं. They bring it with them. And in the plain area, these deposits are, these you know, these sediments are deposited. These sediments are called alluvial deposits. ठीक है, ट्रिब्यूटरी, एज आई टोल्ड यू, जब एक मेन रिवर होती है एंड यू हैव गंगा रिवर में गोमती, गंगा, गंधक, यू नो सोम, तामसा वगैरह, दीज आर ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल रिवर्स दैट आर ज्वाइनिंग द मेन रिवर. Alright, so that was the entire chapter. I hope you understood. बहुत ही आसान chapter था. You just need to, mostly you get a lot of map questions from this chapter. So remember the rivers, where are the ghats, where you have your mountains, the Aravallis, the Vindhyas, the Satpuras, and your coastal plains. ठीक है, और of course the Himalayas, Thar Desert. ये सब आपको पता होना चाहिए, and the neighbors of our country.
That's it. Your chapter is done. Let's quickly go to the week quiz. Quickly go to www.weekquiz.in. Agar aap replay dekh rahe ho, toh you guys can also do the quiz. Put in the code 227836 and we can begin. Yes, I will be sending today's notes on Telegram. Sometimes I forget. You can always message me, Alexa, and I will reply. I will send the notes. ठीक है चलो आई विल ऑल्सो गो टू द लेट्स गो टू द जॉइनिंग स्क्रीन 227836 द लिंक इज राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी से आ जाओ सो दैट वी कैन बिगिन टू पीपल हैव जॉइंड टिल नाउ Do not forget to give a thumbs up, guys. Thumbs up, de do is video ko and do not forget to subscribe to the channel. Ajo, ajo. Double 27836. चलो, we will begin, है ना? If people are joining in late, कोई बात नहीं. तीन बच्चे हैं, right? What to do? Let's begin with the very first question. In which direction of India is the Himalayas located? East, west, north, or south? लड्डू क्वेश्चन गाइस ये क्या था हाउ आर द हिमालयाज लोकेटेड इन द वेस्ट आई मीन क्या कर रहे हो आप लोग गाइस इट्स नॉट द आंसर इज नॉट लीड ओवर देखने की जरूरत ही नहीं है सबके अंडा है नेक्स्ट क्वेश्चन द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक हिमाद्री हिमाचल या ग्रेटर हिमालयाज टाइम इज अप एंड द आंसर इज शिवालिक वेरी गुड थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिमालयाज सायद्री या नीलगिरी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस टाइम इज अप द आंसर इज अरावली ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन लीड अबाउट एंड में दिखाऊंगी मैं आप वेयर डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई Eastern part of India, western part of India, northern part of India, southern part of India. Usually most deserts lie in which part of the country or continent? Oh, 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 oh. Guys, it's western part of India. Kya ho raha hai matlab? West mein. Only Aditi and Alima have answered correctly till now. Question number 5 is What lies next to the south of the northern plains of India? Northern plains ke south mein kya hota hai jahan par the rivers also come and deposit sediments which are called alluvial deposits. Hai hai kya ho raha hai? Oh no. Kaise are yaar chalo koi baat nahi. So we have Alima on top. I didn't even read the options. Present division of the number of union. It should have been northern plains. Tha kya usme? Chalo koi baat nahi. Present division of the number of union territories. How many union territories do we have? Not able to join the quiz. Why? Just go to incognito tab. Go to www.vquiz.in. Put in the code 227836 और आप join कर लोगे. अभी नहीं join कर पा रहे हो तो after the video try again. But you should be able to join, right? Da ab think.
चलो फाइनली किसी ने तो सही जवाब दिया. सो यस द आंसर इज 8 एंड दिस इज हाउ द लीडर बोर्ड लुक्स लाइक. वी हैव अदिति शर्मा ऑन टॉप, प्रिंस एंड देन आलिमा. सो अमेजिंग अमेजिंग. बट आई वॉज होपिंग कि और बच्चे आएंगे. आई थिंक द टाइम इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू टेक क्लास. बच्चे जो है स्कूल वगैरह गए हुए हैं. ठीक है तो कोई बात नहीं. होमवर्क टाइम. सो द होमवर्क इज द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज. द न्यू स्टेट फॉर्म्ड बाय द डिविजन ऑफ आंध्र प्रदेश इज. द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कहाँ पर ड्रेन करते हैं. ऑल इज दैट इज वॉट यू नीड टू डू मैम. प्लीज एक्सप्लेन सिंपल इंटरेस्ट. बच्चा मैं मैथ्स की टीचर तो हूँ नहीं बट फिर भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ. पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 कुछ तो ऐसा था. चलो गाइस दैट इज इट. दिस इज योर मास्टर टीचर सर्वी साइनिंग आउट. डू नॉट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क क्वेश्चंस एंड लेट मी नो योर आंसर्स इन द कॉमेंट्स.